तो नमस्कार दोस्तों सभी को, हमारे प्रधान एसएम ब्लॉक में आप सभी को हार्दिक हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करते हैं। तो दोस्तों, आज हम बिहाबंद के और एक जगह है जो यहाँ का फेमस जगह है, यहाँ का जो कैथलिक चर्च है बिहाबंद का, वो चर्च में आ चुके हैं। तो हम लोग आप सभी को इस चर्च में काफ़ी अच्छा बनाया गया है, शानदार है। तो आप सभी को हमारे छोटा परिवार में सभी को जय यीशु, जय जोहार, जय झारखंड और जय उड़ीसा। तो अभी ब्लॉग में बने रहिए, हम आपको ये कैथलिक चर्च जो बना है उसी को दिखाने जा रहा हूँ। तो क्रूस्ट विजय चर्च के में आप सबों को स्वागत है। तो देखते हैं फर्स्ट में ये बड़ा सा गेट, और ये काफ़ी अच्छा है। अब हम आपको अंदर लेके चलते हैं। यहाँ पे काफ़ी फ्लावर, यहाँ पार्किंग का अच्छा व्यवस्था है यहाँ पे, और काफ़ी फुलवारी का काम किया गया है। ये पीसीसी जो बना है, ये डीआरडीए विभाग जो यहाँ कुतरा के हैं उसी के एमएलए स्कीम के तहत बनाया गया है यहाँ पीसीसी पथ। और देख सकते हैं इसी के बगल में मड़ुआ भी लगाया गया है यहाँ के पुरोहित द्वारा पलियों में। तो देख सकते हैं जाने के लिए इसके पूर्व में कितना अच्छा गार्डनिंग किया गया है और अच्छा लग रहा है। यहाँ पे फूल रंग बिरंगे। तो हम लोग फाइनली चर्च के पास पहुँच चुके हैं, देख सकते हैं दोस्तों। यहाँ सोसाइटी द्वारा रखा जाता है इस चर्च जो बना है, 2016 में बन के कंप्लीट हुआ है। और इधर पुरोहित पलियों रहते हैं। आपको मैं नज़दीक से जाके इस चर्च का दीदार कराता हूँ। यहाँ पे काफ़ी शानदार, काफ़ी अच्छा बनाया गया है। आप देख सकते हैं इसका फिनिशिंग और इसका जो टचअप है वो काफ़ी अच्छा है। यहाँ देख सकते हैं यीशु का तस्वीर लगाया गया है जो शीशे में बंद है, उसके बाद में ऊपर में माता मरियम और उसके बगल में उसके फादर का बनाया गया है। देख सकते हैं यहाँ ग्रेनाइट से फिनिशिंग किया गया है जो इसका फर्स्ट है, और इसमें टाइल्स लगाया गया है और कितना साफ सुथरा, नीट एंड क्लीन लग रहा है। देख सकते हैं दोस्तों इधर ये पुराना चर्च है। गार्डनिंग का काम अच्छा किया गया है, इसमें समय समय में फूल खिलते रहता है। और दरवाज़ा को बचाव के लिए इसमें प्लास्टिक का कोटिंग किया गया है। यहाँ का स्टेज है ये,
ये इसका ये जो विजय क्रूस विजय पर्व या ये बिहाबंद का ये चर्च है, पुराना चर्च है, देख सकते हैं। इसको प्रशासन के द्वारा भी रिडेवलप करने का बहुत अच्छा कार्य किए हैं। हम आपको पुराना चर्च को दिखाने का प्रयास करते हैं, देखिए ये यहाँ का पहले का ये पुराना चर्च भी है। तो सबसे पहले तो हम लोग इसी पुराना चर्च में आते लोग आते थे, विनती प्रार्थना करते थे। चर्च अभी बंद है। इस चर्च भी काफ़ी अच्छा रग रोगन किया गया था। देखते हैं कि इसका पीछे साइड का जो व्यू है वो भी काफ़ी खूबसूरत है, काफ़ी कितना अच्छा टेक्निक के साथ, कितना इसमें जो नक्शा के द्वारा बनाया गया है, काफ़ी अच्छा शानदार आर्टिफिशियल वर्क किया गया है। तो दोस्तों देख सकते हैं कि इस बालू से भर दिया गया है ताकि कीचड़ ना हो। तो हम लोग अभी देख सकते हैं काफ़ी रंग बिरंगे शीशे हैं और इसका जो छोटी छोटी खिड़कियाँ और सुंदर, अब सभी दरवाजों में ये आप देख सकते हैं ये क्रूस का चिन्ह बना हुआ है। जो लोग इस इलाके के हैं वे लोग तो प्रत्येक संडे चर्च आते ही होंगे, लेकिन जो लोग नहीं आए हैं ये विजय क्रूस विजय चर्च वे लोग विजिट करें। आप देख सकते हैं सामने एक एक सुंदर खूबसूरत आप ये ग्रोटो देख सकते हैं, यहाँ के पलियों द्वारा बनाया गया है, बनवाया गया है, नीट एंड क्लीन है। और सामने एक पानी स्टोर के लिए भी रखा गया है। तो सामने देख सकते हैं माता मरियम का तस्वीर है। काफी सुंदर टचअप के साथ बनाया गया है और ऊपर में एक क्रूस जो कि स्टील से चमचमाते हुए और लाइट से सजाया गया है माता मरियम को। आप इसका ऊपर वाला पर्सन भी देख सकते हैं, काफ़ी सुंदर अच्छा लग रहा है जो कलर के साथ में अच्छा मैच कर रहा है। ये कंक्रीट से ही बनाया जाता है ये ग्रोटो, जहाँ भी देखिएगा ये ग्रोटो जो होता है ये कंक्रीट से ही बनाया गया है। और इसका जो कलर और डिज़ाइन जो है ना, दिल को छू देने वाली डिज़ाइन है। और इसी के इस ग्रोटो के जस्ट पीछे में आपको सिमडेगा से आने वाली रोड, रांची रोड कहते हैं, उसी से कुतरा जाती है, उसी के बीच में बिहाबांध पड़ता है, वही ये चर्च है। और उस छोर में आपको आपको दिख रहा होगा वो ये क्रूस पहाड़ है। हम इसका वीडियो भी आपको डाल देंगे, अब ज़रूर इसमें भी जाके आप लोग विजिट करके देख सकते हैं इसका। हम मेरे प्रधान ब्लॉक में आप जाके देख सकते हैं, SM प्रधान SM ब्लॉक में, प्रधान ब्लॉग SM में आप ज़रूर विजिट करके देख सकते हैं। तो फाइनली दोस्तों आपको ये चर्च को हम
दिखा दिए, आपको कैसे लगा और वीडियो में किस प्रकार की कमियां हैं, किस चीज़ को करने से और अच्छा रहता है, इस चीज़ के बारे में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो ज़रूर लाइक कमेंट कीजिएगा, और जो भी मेरे वीडियो को न्यू दोस्त देख रहे हैं वे लोग सब्सक्राइब करके रखिएगा, ताकि हमको हर नया जगह में जाने के लिए, जो स्पॉट प्लेस हो चाहे धार्मिक स्थल हो, उसमें हम जाते रहते हैं, कहीं कहीं वीडियो बनाते रहते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा तो आप सब्सक्राइब करके रखिएगा, अगला नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगा। और बेल का आइटन, बेल जो रहती है उसको रखिएगा, दबा के रखिएगा, ताकि ऑल वीडियो आएगी। तो ब्लॉग में बने रहे, लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। जय यीशु, जय हिंद, जय झारखंड।